वेलकम बैक टू माई चैनल एंड गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं सुबह सुबह जा रही हूँ मेरी एक फ्रेंड को मुंबई तक छोड़ने, और उसकी फैमिली भी साथ में, फोर व्हीलर में आए हुए हैं हम। और हम घर से निकले थे 3 बजे और अभी 4:30 बजे, और अभी मैं इंट्रो कर रही हूँ। यहाँ पे हम घोटी पहुँच चुके हैं अभी, ये है टोलना का, और एक फ्रेंड आ रही है इसकी जो कि दूसरे गाड़ी में है। तो अभी तो ट्रैवल ही कर रहे हैं, कब पहुंचेंगे पता नहीं। तो अभी बजे है 5:15 और हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके, टी ब्रेक, इट्स टी टाइम। सारी नींद उड़ जाएगी चाय पीते ही, गर्मा गर्म चाय। हमें चिप्स ले रही खाने के लिए, कुरकुरे क्यों? हाँ भावा काय मन तो भावा उसकी हवा ही गरम है, गरम दादू। चाय वाय पी लिया, अभी लॉलीपॉप, और हम जा रहे हैं अभी। बजे हैं 8 और हम घाटकोपर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ आने का रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ग्राउंड है और तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी ट्रेनिंग है, वो अभी लोह मार्ग पुलिस में भर्ती हुई है, तो उसकी 9 मंथ की ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ट्रेनिंग सेंटर में। और ये देखो कुछ ऐसा है ट्रेनिंग सेंटर। अभी पहुँचे हम, और वो मुझे दिखा रही कि उसका ग्राउंड वो सब कैसे हुआ था, तो वो मैं अभी देखने जा रही हूँ। चलो ग्राउंड देखते हैं। ये है इसका पूरा ग्राउंड। 9:30 बज चुके हैं और अभी तक सर ने बुलाया नहीं उसको, और यहाँ पे बहुत ही पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो गई हमारी, और मुझे नींद भी आ रही है, मैं अभी सो जाती हूँ बैठे बैठे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कलीना यूनिवर्सिटी, और श्रुति जो है वो वहीं पे हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बहुत कुछ प्रोसेस है वो करनी बाकी है। तो हम यहाँ पे आ गए कलीना यूनिवर्सिटी में, और 1-2 घंटे में वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ काम है। खाना भी नहीं खाया है सुबह से, और अभी ना बजे है 1 बजने को आए कम्प्लीट, फिर भी अभी तक काम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा झंझट है भाई। यहाँ से होटल बहुत ही दूर है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बोर हो रहा है और खाने का बंदोबस्त कुछ तो हुआ है। हम निकल पड़े हैं खाने की खोज में, और यहाँ पर एक भी होटल नहीं है कि हमें मिल गया होटल बहुत कोशिशों के बाद। अभी पेट भर के मस्त खाना खाया, चिकन बिरयानी, फूड
फुल पेट भर गया, अभी फ्रेश फ्रेश मूड हो गया है मेरा। चार बजे है, चार अभी तक नहीं आई, मेरी एक नींद पूरी हो गई। फाइनली श्रुति आ चुकी है और अभी बजे है 5:30। बहुत देर तक वेट करवाया, देखो अभी अभी बस आई है, उसके बैग्स लेके जा रहे हैं हम उसे देने के लिए। तो अभी अभी उसे मैंने छोड़ा उसके रूम में और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरी लाइफ का, सबसे इमोशनल मोमेंट, और बहुत रोई मैं, वो भी रोई उसको 2 बार मिलने के मेरे ऊपर, मन ही नहीं भर रहा था, छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं घर पे, अभी सिन्नर जा रहे हैं, अभी लगेंगे 2 से 3 से 4 घंटे पता नहीं कितने, तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो बाहर होगी खिड़की में देख रही होगी, लेकिन क्या अभी लेके चलो, अभी मैं अकेली हो गई, सुबह से रात तक साथ में रहने वाले अचानक से दूर हो गए, बहुत इमोशनल हो रही मैं भी। मुझे ट्यूशन भी अकेले जाना पड़ेगा, मेरा एक ही फ्रेंड थी मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड, उसके साथ ही रहती थी सुबह से रात, कभी इसके घर में खाना खाना सब ऐसे बहन की तरह ही खा, बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। उसका भाई हंस रहा है मेरे को देख के, अभी जाने का क्या प्लान है पता नहीं, जाते जाते देखेंगे कहाँ रुकना है क्या करना है। श्रुति आई मिस यू, उसके लिए एक मैसेज है, अच्छे से रहना, केयर करना अपनी, और पनिशमेंट मत खाना, और मिस यू सो मच, लव यू। तो अभी 10 बजे है और हम अभी खाना खाने के लिए रुके यहाँ पे, आधी नींद पूरी हो गई और यहाँ पे खाना खाएंगे ढाबे पे, घोटी तक पहुँच चुके हैं हम, तो 2 से 3 घंटे लगेंगे घर जाने के लिए, तो खाना खाते हैं और फिर घर जाते हैं। तो अभी अभी हमारा खाना हो गया इस वाले ढाबे पे और अब हम जा रहे हैं सिन्नर, और अभी बजे है 10:30 और 1 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। The next day. Hey guys, another day, same vlog and good morning. तो अभी अभी मैं नहा के आई हूँ और रात को मैं 2 बजे पहुंची थी, इसलिए मतलब आई, फ्रेश हुई और सो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और बस कल वही काम था, उसको घाटकोपर छोड़ने जाना था उसके ट्रेनिंग सेंटर, और मतलब ट्रेनिंग सेंटर नागपुर में है लेकिन कल वहाँ पे बुलाया था तो वहाँ पे हम छोड़ने गए थे, कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, गर्मी भी बहुत थी, तो बस वही है, मतलब हम बचपन से साथ में हैं, दिन रात सुबह शाम साथ साथ, और अचानक से दूर जाना पड़ा, अभी मैं अकेली और वो अकेली वहाँ पे, मन नहीं लग रहा है घर पे, अभी सुबह सुबह बात भी हुई हमारी तो वो बोल रही थी मन नहीं लग रहा है ऐसा वैसा, तो हम मिलते रहेंगे वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा हो जाता है इमोशनल।
और बस इतना ही है श्रुति, अच्छे से रहना, केयर करना अपनी, और बिल्कुल भी रोना मत क्योंकि हम जल्दी मिलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग जर्नी, एंड आई मिस यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।